नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया और आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि रीसेलिंग बिजनेस क्या होता है। ये वीडियो मैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो अभी अभी रीसेलिंग बिजनेस करना चालू किए, अभी अभी ऑनलाइन सेलिंग करना चालू किए। तो इस वीडियो में मैं रीसेलिंग बिजनेस के ऊपर पूरी चीजें कवर अप करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी खुद की ब्रांड बना सकते हो और अपना एक ऑनलाइन इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे रीसेलर्स हैं जो हर महीने के 30 से 40,000 रुपए इजीली व्हाट्सएप के थ्रू कमा लेते हैं, विदाउट एनी डिजिटल मार्केटिंग, विदाउट एनी वेबसाइट डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट सेल करके 30 से 40,000 रुपए कमा लेते हैं। और मैं आपको भी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप अच्छे से 6 महीने तक के इस बिजनेस को अच्छे से परस्यू करेंगे, मेरी सारी वीडियोस देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि पूरा बिजनेस कैसे चलता है, तो आप इजिली 4 से 5 महीने के अंदर 30-40,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि आखिर रीसेलिंग बिजनेस होता क्या है। देखिए, रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। रीसेलिंग बेसिक लेवल ऑफ ई कॉमर्स होता है, जो एकदम बेसिक लेवल से होता है। ई कॉमर्स मतलब होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना। अब रीसेलिंग इतना बेसिक फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स है जहां पे आप प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखते हो, आप प्रोडक्ट होलसेलर से लेते हो और प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हो, मतलब उस प्रोडक्ट को आगे अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हो और बीच में मार्जिन अर्न करते हो। अब पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि फिजिकल स्टॉक में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट पहले खरीदना पड़ेगा, अपनी दुकान पे रखना पड़ेगा, फिर कस्टमर्स के साथ डीलिंग करना पड़ेगा और ट्रेडिंग करना पड़ेगा। इसीलिए जो फिजिकल स्टोर्स होती है, जो दुकानें होती है, उनको डालने में बहुत ज्यादा लागत लगती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन जैसे ही डिजिटलाइजेशन आया, ये सारी चीजें ऑटोमेट हो गई है, ये सारी चीजें डिजिटल फॉर्म पे आ गई है। अब आपको प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखना, आप अपने होलसेलर से फोटो ले सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो और सेलिंग करना भी बहुत ही आसान है क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करना पड़ता है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स है, जो आप अपने होलसेलर से लेके मार्केटिंग कर रहे हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया पे दिखे। जितने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की फोटोज देखेंगे, वो आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे और इवेंचुअली आप ऑनलाइन अर्निंग करोगे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप से। आज मैं आपको बताऊं तो भारत में 50 लाख से ज्यादा लोग रीसेलिंग कर रहे हैं। रीसेलिंग की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, आप जानते होंगे मीशो है, ग्लो रोड है, Shop 101 है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप रीसेलिंग कंपनियों से प्रोडक्ट लेके बेचो। हाँ, अगर आप स्टार्ट किए हो, आपके पास कोई होलसेलर नहीं है, तो आप इन रीसेलिंग एप्स पे जा सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डायरेक्ट होलसेलर से कनेक्ट होइए। डायरेक्ट होलसेलर से कनेक्ट होने पे आपको डायरेक्ट प्राइस मिलेगा, सबसे सस्ता प्राइस मिलेगा और उसके बाद होलसेलर के साथ आपका एक रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा तो कल के दिन जब भी आप बड़े लेवल का बिजनेस करोगे तो वो होलसेलर आपको क्रेडिट देगा, ज्यादा अच्छी सर्विसेज देगा। और जब बिजनेसेस में पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ भी जल्दी होती है। तो कुल मिला के अगर आपको अपनी ब्रांड शुरू करना है तो रीसेलिंग बिजनेस एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप बेसिक लेवल से अपनी ब्रांड शुरू कर सकते हो। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि रीसेलिंग बिजनेस चालू कैसे किया जाता है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो होता है कि आप अपना प्रोडक्ट डिसाइड करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दो या हर प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दो। मैं देखता हूँ बहुत सारे रीसेलर्स को, वो अपने ग्रुप में हर टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि हमेशा एक टाइप का ही प्रोडक्ट रखो, एक कैटेगरी का, एक निश का ही प्रोडक्ट रखो, ताकि आपका जो कस्टमर है वो समझ पाए कि आपकी प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज है। देखिए, अगर एक जगह में 10 आइटम मिल रहे होंगे तो शायद आप नहीं जाएंगे वहां पे, लेकिन अगर एक जगह में स्पेशलाइज्ड एक आइटम मिलेगा और वो ही आइटम उस शॉप का कोर प्रोडक्ट रहेगा तो आप जाके वहां खरीदना पसंद करोगे और आपको सही रेट भी वहां पे मिलेगा। और इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को सेल करो ताकि आपका कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बने रहे। इसके बाद दोस्तों होता है अपनी ब्रांड बिल्ड करना। ब्रांड बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप बहुत अच्छा लोगो अपना रखो, बहुत अच्छा अपना ब्रांड नेम रखो। ऐसा लोगो और ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जो लोगों के दिमाग में एक बार में घुस जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, bewakoof.com। इस स्टार्टअप के ऊपर हमने पूरी केस स्टडी बनाई थी। bewakoof.com ने इतना जबरदस्त अपना नाम रखा था, इतना इनोवेटिव इनका नाम था कि अगर कोई भी इंसान इनका नाम एक बार देख ले तो उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। और वैसे ही उनका जो लोगो है वो भी काफी क्रिएटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नाम और लोगो बहुत सोच समझ के रखें ताकि लोगों को एक बार में याद हो जाए। अब तीसरा प्रोसेस है सोशल मीडिया
में अपनी प्रोफाइल्स बनाना। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये चार ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ सबसे ज्यादा रीसेलिंग होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर्स है और जहाँ पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन होता है, मतलब कस्टमर्स आके आपके पेइंग कस्टमर बनते हैं। अभी एक बार अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आगे आपका फिफ्थ स्टेप है कि आप एक अच्छे सप्लायर को खोजो। जितना अच्छा सप्लायर होगा, जितना ट्रस्टेबल, जितना रिलायबल सप्लायर होगा, उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। सप्लायर का प्रोडक्ट अच्छा है, सप्लायर की सर्विसेज अच्छी है, तो आप अपने कस्टमर को ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे पाओगे, आप अपने कस्टमर को ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे पाओगे। तो बेसिकली एक अच्छा सप्लायर खोजने का जो सिलसिला है, ये लाइफ भर चलते रहता है। हर थोड़े थोड़े दिनों में नए नए अच्छे अच्छे सप्लायर्स आते हैं जो और कम रेट में और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। आपको सिर्फ उन सप्लायर्स को खोजना है और सही जगह में जाके खोजना है। इसके बाद का प्रोसेस काफी सिंपल है। एक बार आपको व्हाट्सएप में सप्लायर्स से अपडेट्स आना शुरू हो गए, मतलब प्रोडक्ट की फोटोज और प्रोडक्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आना शुरू हो गई, तो आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करना है और सोशल मीडिया को ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा पाओ। जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो एंड अनफॉलो करके एक टेक्निक है, उसके थ्रू आप इनिशियली अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो। और अगर धीरे से आपको अगर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि बेसिक लेवल से मार्केटिंग कैसे की जाती है। ये वीडियो की लिंक आई बटन पे दे रहा हूं, इस वीडियो को जाके बहुत अच्छे से देखना। अब इसके बाद दोस्तों, मार्केटिंग करने के बाद सारे लोग आपके पास व्हाट्सएप पे आएंगे, व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट होंगे, व्हाट्सएप पे आपकी सेल्स कम्युनिकेशन होगी। यहाँ पे आप कस्टमर से डील करोगे, कस्टमर को बताओगे प्रोडक्ट के बारे में, बेसिकली उनसे निगोशिएट करोगे और एट दी एंड प्रोडक्ट सेल करोगे। और एक बार आपका कोई कस्टमर पेइंग कस्टमर बन जाता है, तो आप उनका नंबर सेव करके उनको प्रॉपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे रखोगे और बार बार अपडेट करोगे। एक कस्टमर जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, वो आपसे बार बार प्रोडक्ट खरीदता है। तो अगर आपने 2,000-3,000 अपने कस्टमर बना लिए, तो उसके बाद आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। वो 3,000 कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग कर लेंगे और वो 3,000 कस्टमर आपको रेगुलर ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे। अब काफी लोग ये पूछते हैं कि आखिर कौन कर सकता है रीसेलिंग बिजनेस, हम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, रीसेलिंग बिजनेस करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल करना आना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाना आना चाहिए, बेसिकली थोड़ी बहुत ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर सेल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक भी पता है कि भाई किस तरीके से ऑनलाइन सेलिंग होती है, किस तरीके से शिपिंग होती है, किस तरीके से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस वर्क करते हैं, किस तरीके से कस्टमर के साथ नेगोशिएट किया जाता है, तो आई थिंक आप इजीली अपना रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार जब आप बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो धीरे धीरे आप खुद ही और नई नई चीज लर्न करते जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, या आप कॉलेज में पढ़े हुए हैं, आप प्रोफेशनल है, आप हाउस वाइफ है, आप चिल्ड्रन है, आप टीनेजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ब्रांड बनाने का जुनून होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा, जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ठीक है सर, हम इतना रीसेलिंग बिजनेस तो बना लेंगे, होलसेलर्स के साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे, बट ये बताइए कि मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, रीसेलिंग बिजनेस में मार्केटिंग जो होती है, वो बेसिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज से होती है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज मतलब होता है जिस बंदे ने ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट खरीद लिया हो, वो बंदा या तो वीडियो में आके बोल रहा है कि हाँ आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं प्रोडक्ट से, या फिर वो आपको व्हाट्सएप में एक अच्छा फीडबैक, एक अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। अगर आपके पास ये है, तो आप 10 नए और कस्टमर लेके आ सकते हो। एक पॉजिटिव रिव्यू 10 कस्टमर को लेके आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे बड़ा मार्केटिंग का पॉइंट है कि भाई आपके पास रिव्यूज और फीडबैक होना चाहिए। अब शुरू शुरू में तो बिल्कुल मेहनत करना ही पड़ता है ताकि आपके पास शुरू शुरू में ऑर्डर्स आए, और इसमें टाइम लगता है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, 2-3 महीने लगता है सेटल होने में। बट एक बार जब आपका बिजनेस सेटल हो जाए, एक बार जब आपको रेगुलरली अच्छे रिव्यूज, अच्छी फीडबैक मिलना शुरू हो जाए, तो आपको मार्केटिंग में ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। फिर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी पिक्चर डालेंगे और लोग देखेंगे, तो लोग ट्रस्ट करेंगे कि यार इतने सारे लोग इनके पास से खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट अच्छा होगा। और इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स है, मैं अपनी अलग अलग वीडियोज में मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ, ऑनलाइन टूल्स के बारे में बताता हूँ जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे अच्छी टेक्निक अभी तक की रही है बेसिक लेवल से अपने बिजनेस ग्रो करने की, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को फ्री में या फिर बहुत कम पैसे में एक इन्फ्लुएंसर को देते हो और उसको बोलते हो कि यार प्लीज आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालो, हमको टैग करो और प्लीज लोगों को बताओ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, एक अच्छा रिव्यू दो। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जितनी बड़ी ब्रांड्स है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है, सब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है। और आप अगर छोटे लेवल के ब्रांड हो, आप भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। हाँ, आप लाखों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को नहीं कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन जो छोटे मीम पेज होते हैं या छोटे लेवल के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपके
खुद के शहर के जो छोटे लेवल के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 10,000 20,000 फॉलोअर्स हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो, उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हो, और वो जब आपकी स्टोरीज डालेंगे, वो जब आपका पोस्ट डालेंगे, वो जब आपके बिजनेस के बारे में डालेंगे, तो आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो अगर मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना है शुरू में, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे करना और कोई भी प्रकार की मार्केटिंग पे इन्वेस्ट मत करना। अब दोस्तों आखिरी सवाल कि भाई प्रोडक्ट्स कहाँ से लेके आए, होलसेलर्स को कहाँ खोजे, ये अक्सर सारे रीसेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम काफी मदद करते हैं रीसेलर्स को कि हम जितना हो सके उनको बड़े होलसेलर से कनेक्ट करवाते हैं। तो एक तो तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट पे आके होलसेलर्स का डेटाबेस बाय कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के होलसेलर्स के डेटाबेस है जो आप खरीद सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि हमारा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स आते हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं, उस डेटाबेस को आगे हम रीसेलर्स को पुश करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो वो डेटाबेस ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको खोजना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके खोजिए, ऐसे होलसेलर को खोजिए जिनका खुद का प्रोडक्ट हो, जिनकी खुद की फोटोग्राफी हो, जिनका खुद का वेबसाइट वगैरह हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो, जो कि इजीली आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं वो अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते, किसी किसी का प्रोडक्ट अच्छा होता है सर्विस अच्छी नहीं होती, किसी की सर्विस अच्छी होती है प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। होलसेलर ऐसा देखो जो रिटर्न रिफंड ये सब इजीली ले ले, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस आपको प्रोवाइड करे, उसकी वेबसाइट होना चाहिए, उसका ऐप होना चाहिए, तो उसकी और अच्छी रेपुटेशन होगी। लेकिन इंडिविजुअल होलसेलर को ही देखना, कभी किसी ऐप में मत जाना कि मीशो, ग्लो रोड, शॉप 101 इस तरीके के ऐप होते हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीके की ऐप से लेके लो क्वालिटी प्रोडक्ट रीसेल करो। हमेशा प्रोडक्ट ऐसा रीसेल करना जो हाई क्वालिटी का है, जिसमें आप मिनिमम 300 रुपए से लेकर के 500 रुपए की अर्निंग एक प्रोडक्ट की सेल्स में कर सको। अब दोस्तों आई होप आप सभी को इस बिजनेस के बारे में मालूम चल गया होगा। अगर आपको रीसेलिंग बिजनेस के बारे में अंदर से जानना है तो हमारा पूरा कोर्स है रीसेलिंग बिजनेस के ऊपर, रीसेलिंग बिजनेस मास्टरी कोर्स, जो पिछले एक साल से हम रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस कोर्स में मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप रीसेलिंग बिजनेस शुरू करते हो, आप इनिशियली क्या क्या चीज सेटअप करते हो रीसेलिंग बिजनेस में, आप इंस्टाग्राम का पेज कैसे बिल्टअप करते हो, आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करते हो, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को कैसे लेके आते हो, होलसेलर्स को कैसे रिसर्च करते हो, खोज के लाते हो। इनफैक्ट मेरे से कनेक्ट हुए बहुत सारे अच्छे होलसेलर्स के डेटाबेस भी मैंने इस कोर्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, व्हाट्सएप पे सेलिंग कैसे करना, व्हाट्सएप पे ऑटोमेट कैसे करना, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो मैं बेसिकली इस कोर्स में समझाया हूं, जो शायद आपके काम आ सकती है और आपको अपना बिजनेस इंक्रीज करने पे हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको अंदर से सीखना है तो आप कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम अपने चैनल पे तो पूरा ट्राई करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी नॉलेज दे रीसेलिंग बिजनेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और देखते रहो सोशल सेलर एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।